कोविड से पहले की बात है, पूरा भारत खास तौर पर सिनेमा प्रेमी सोशल मीडिया से लेकर चाय के नुक्कड़ पर एक ही बहस करते दिखते थे। वो ये कि साउथ की फिल्में अच्छी हैं या फिर बॉलीवुड की। कुछ कह रहे थे कि साउथ का सिनेमा बॉलीवुड को खा जाएगा, लेकिन बॉलीवुड प्रेमी करण जौहर और अनुराग कश्यप की कस्में खा खा कर कह रहे थे कि आएगा तो बॉलीवुड ही। हालांकि इस लड़ाई में कौन जीता कौन हारा ये तो नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि लड़ाई जारी है या खत्म हो गई, लेकिन इतना पता है कि इस लड़ाई में कोई विनर था तो वो थे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सिंगल स्क्रीन। और सिनेमा हॉल वाले इस बिजनेस की बेताज बादशाह थी पीवीआर। इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म स्क्रीनिंग कंपनी यानी टिकट खिड़की से होने वाली कमाई का सबसे बड़ा चंक इसी कंपनी को जाता था, अब भी जाता है वैसे तो, लेकिन आज पीवीआर की हालत थोड़ी खस्ता चल रही है। जैसे इतिहासकारों के लिए बीसी और एडी होता है, वैसे ही पीवीआर के लिए प्री कोविड और पोस्ट कोविड काल हो गया है। तो क्या कोविड के बीत जाने के बाद और बीत जाने को भी इतना लंबा समय हो जाने के बाद पीवीआर की स्थिति में कोई सुधार आया? और जब पीवीआर की स्थिति बिगड़ी तो बिगड़ी कितनी? आगे पीवीआर की डगर क्या है और कितनी कठिन है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे खर्चा पानी के ब्रांड न्यू एपिसोड में। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि पीवीआर के शुरू होने की कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। पीवीआर जो कि अब पीवीआर आईनॉक्स हो चुकी है, उसने 14 मई को तिमाही नतीजे पेश किए हैं जिसमें उसे 130 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वैसे तो ये पिछले साल के मुकाबले करीबन 2.5 गुना कम है। उस तिमाही में कंपनी को 333 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, लेकिन एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए घाटा कम करना भर काफी नहीं होता है, उसे चाहिए ग्रोथ। और कंपनी ने कहा है कि फिल्में ही नहीं आ रही हैं कुछ खास, इसलिए उसकी ग्रोथ अभी सुस्त दिख रही है। कंपनी का एवरेज टिकट प्राइस 233 रुपए पर आ गया है, जो इससे पिछली तिमाही में 271 रुपए था। और मल्टीप्लेक्स, सिनेप्लेक्स की कमाई, इन सबकी ग्रोथ को समझने के लिए एवरेज टिकट प्राइस एक बहुत अहम फैक्टर होता है। एवरेज टिकट प्राइस एक तय समय में कुल दर्शकों की तरफ से एक टिकट पर खर्च की गई औसत रकम होती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आईनॉक्स पीवीआर को कोविड से पुराने वाले लेवल पर आने में यानी फलने फूलने में कितना समय लगेगा। कंपनी घाटे वाले स्क्रीन्स को बंद कर रही है, जहां कमाई के नए मौके दिख रहे हैं वहां स्क्रीन्स खोल भी रही है, लेकिन क्या उसके ये कदम काफी होंगे ये समझेंगे हम। लेकिन उससे पहले जरा पीवीआर की दिलचस्प कहानी को जानते हैं। पीवीआर को शुरू किया था अजय बिजली ने। अजय के पिता कृष्ण मोहन बिजली का अमृतसर में ट्रांसपोर्टेशन का खानदानी बिजनेस था, जो बाद में वो लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गए। अजय ने मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई पूरी की, फिर हिंदू कॉलेज से बीकॉम किया। ग्रेजुएशन के बाद 22 साल की उम्र में फैमिली का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ज्वाइन किया, हालांकि उसमें उनकी कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। अजय के पिता का एक प्रिया थिएटर भी था जो उन्होंने 1978 में खरीदा था। अजय को उस थिएटर में बड़ा इंटरेस्ट आता था, फिल्मों में बड़ा इंटरेस्ट था। उन्होंने अपने पिता से कहा कि प्लीज मुझे 6 महीने के लिए प्रिया सिनेमा चलाने दीजिए। पिता मान गए। उन्होंने मुंबई के स्टर्लिंग सिनेमा की तरह ही प्रिया सिनेमा का रेनोवेशन किया, थिएटर में डॉल्बी साउंड सिस्टम लगवाया, हॉल का इंटीरियर चेंज करा दिया और हॉलीवुड की फिल्मों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। शुरू में बिल्कुल एक खास तरह की ऑडियंस को टारगेट किया और स्ट्रैटेजी सफल रही। एक साल के अंदर अंदर ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पूरी रकम निकाल ली। अजय बिजली ने CNBC को एक इंटरव्यू में कहा, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन मेरा कॉमन सेंस कह रहा था कि आरकेपुरम, वसंत विहार और सोम विहार में जो लोग रहते हैं उनके हिसाब से हॉलीवुड की फिल्में काफ़ी चलेंगी। और ऐसा ही हुआ। हॉलीवुड फिल्मों को देखने के लिए भीड़ लगने लगी। फिर भारत सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को एक और राहत दी, मूवी टिकट के दाम पर अपनी कंट्रोलिंग हटा दी, एंटरटेनमेंट टैक्स घटा दिया, जिससे प्रिया सिनेमा को खूब फायदा हुआ। इसी बीच अजय के पिता की 1992 में मृत्यु हो गई। अजय को आगे आकर बिजनेस संभालना पड़ा। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक अजय दिन में ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभालते और रात को अपनी पत्नी के साथ सिनेमा बिजनेस देखते। मगर 1994 में ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस वाले गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद अजय ने अपना पूरा फोकस थिएटर बिजनेस पर शिफ्ट कर दिया। तब तक प्रिया सिनेमा एक बहुत पॉपुलर जगह बन चुकी थी। लोग वहां मिलने जुलने के लिए आते, समय बिताने के लिए आते। मैकडी, आर्चीज और निरुला जैसे आउटलेट भी खुल चुके थे। बिजली के शब्दों में ये दिल्ली का टाइम्स स्क्वायर या फिर लाइसेस्टर स्क्वायर की बराबरी कर सकता था। प्रिया सिनेमा की तरक्की देखकर अजय को अब बिजनेस एक्सपैंड करने का मन किया। उन्हें वेस्टर्न देशों की तरह मल्टीप्लेक्स शुरू करने थे, लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि वो उस समय हॉलीवुड फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के संपर्क में थे। उसने बताया कि ऑस्ट्रेलिया का विलेज रोड शो इंडिया में अपना बिजनेस फैलाने की प्लानिंग कर रहा है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। साल था 1995।
अजय विलेज रोड शो के एशिया मैनेजमेंट डायरेक्टर जॉन क्रॉफोर्ड से मिले। बिजनेस को लेकर दोनों में बात हुई और एक जॉइंट वेंचर के लिए सहमति बन गई। रेशियो रखा गया 60-40, यानी कि 60% हिस्सेदारी प्रिया थिएटर की और 40% विलेज शो के। नाम रखा गया प्रिया विलेज रोड शो, जो आगे जाकर PVR के नाम से मशहूर हुआ। जून 1997 में PVR ने साकेत के पॉपुलर अनुपम सिनेमा को किराए पर लिया, उसे रिनोवेट किया और 4 स्क्रीन के साथ शुरू हुआ इंडिया का पहला मल्टीप्लेक्स। बिजली ने CNBC को बताया कि मल्टीप्लेक्स के सामने 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रहती थी। हमारा कैंपेन भी बहुत क्लियर था, एक छत के नीचे 4 सिनेमा, एक दिन में 24 सिनेमा, मल्टीपल सिनेमा कॉम्प्लेक्स। अजय ने PVR को फैलाना शुरू कर दिया। 2000 तक 12 स्क्रीन हो गए। 2001 में ही हैदराबाद, दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई में 100 करोड़ में 50 और स्क्रीन खरीदने के लिए डील साइन कर ली। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मुश्किल आई। दरअसल 9/11 वाले हमले की वजह से ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब हो गया। निवेशक पैसा लगाने से बचने लगे, बाकी कंपनियां अपना अपना कारोबार समेटने लगी। विलेज रोड शो ने भी आनन फानन में इंडिया बिजनेस से एग्जिट कर लिया, लेकिन 100 करोड़ की डील तो साइन हो गई थी, इसलिए पैसे तो चाहिए थे। अजय ने बहुत हाथ पैर मारे और आखिर में ICICI वेंचर से 80 करोड़ रुपए जुटाए। बाकी के पैसे उन्होंने खुद अपनी प्रॉपर्टी बेचकर जुटाए। उसके बाद तो अजय ने उत्तर भारत के अलावा हैदराबाद, बैंगलोर और मुंबई में भी PVR की प्रेजेंस बढ़ाई। कंपनी 2006 में IPO लेकर आई, जिसमें ICICI सिक्योरिटीज़ ने अपने कुछ हिस्सेदारी बेच दी, जिससे कंपनी को 128 करोड़ रुपए मिले। इन पैसों से PVR ने ताबड़तोड़ तरीके से एक्सपेंशन शुरू किया और देखते देखते इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन बन गई। 2003 में गुड़गांव में 7 स्क्रीन और नवंबर 2004 में ही 11 स्क्रीन्स के साथ PVR बैंगलोर में इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल बन गई। 2012 में PVR ने मुंबई की सिनेमैक्स को खरीद लिया, उसके MD बन गए। 2016 में DLF के DT सिनेमा और 2018 में SPI सिनेमाज को खरीद लिया, जिसके बाद PVR के इंडिया और श्रीलंका के 71 शहरों में 176 सिनेमा घर और 845 स्क्रीन हो गए। इन सिनेमा घरों में टोटल 182,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। PVR ने खुद को सिर्फ सिनेमा हॉल तक ही सीमित नहीं रखा, PVR ने फिल्में भी प्रोड्यूस की। PVR पिक्चर ने तारे जमीन पर, गोलमाल रिटर्न्स, ओमकारा जैसी शानदार हिंदी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। PVR डायरेक्टर्स कट, PVR IMAX, PVR 4DX, PVR पिक्चर्स, PVR लक्स, PVR गोल्ड, PVR नेस्ट, PVR ओनिक्स, वी प्रिस्टीन, प्ले हाउस, PVR PXL जैसी सर्विसेज भी PVR ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की। कंपनी की कमाई के दो जरिए, बॉक्स ऑफिस और नॉन बॉक्स ऑफिस। बॉक्स ऑफिस में तो सीधे सीधे टिकट की सेल से हुआ कलेक्शन गिना जाता है, लेकिन नॉन बॉक्स ऑफिस में कंपनी फूड और बेवरेजेस, एडवर्टीजमेंट से होने वाली कमाई, कन्वीनियंस फीस, मूवी प्रोडक्शन और उनके डिस्ट्रीब्यूशन से होने वाली कमाई को गिनती है। कंपनी कितनी शानदार तरक्की कर रही थी, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जब IPO आया तब एक शेयर के दाम 225 रुपए थे, जो 20 फरवरी 2020 को 2121 रुपए के लेवल पर पहुंच गए। लेकिन उसी वक्त आया एक बहुत बड़ा दूसरा संकट, कोविड। कोविड ने कंपनी के कारोबार को बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। क्या हुआ बताते हैं। मार्च 2020 में जब कोविड आया तो सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में सिनेमा घर बंद कर दिए गए। PVR के निवेशकों में अफरा तफरी मच गई। इसके शेयर 19 मई 2020 को गिरकर पहुंच गए 719.50 रुपए के लेवल पर और साथ में अजय बिजली की नेटवर्थ भी घट गई। कंपनी को लॉकडाउन की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 225.73 करोड़ का घाटा हुआ था। हालांकि अगले साल ये घाटा थोड़ा सा कम हुआ और 2021-22 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तिमाही में यह घाटा घटकर 219.55 करोड़ पर पहुंच गया। इसी तरीके से वित्त वर्ष 2020-21 में ऑपरेशन से होने वाला जो रेवेन्यू था वो 12.70 करोड़ था, जो अगले साल बढ़कर के 59.39 करोड़ हो गया। कुल मिलाकर के एक साल के अंदर अंदर कंपनी की वित्तीय स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन इसके बाद भी ये कोविड से पहले वाले स्तर के मुकाबले काफी कम थी। कोविड की दो लहरों के बीतने के बाद, मामला थोड़ा सा शांत होने के बाद धीरे धीरे पाबंदियां हटी तो अगस्त 2021 से सिनेमाघर खुलने लगे, लेकिन उस वक्त ना कुछ खास फिल्में आई और ना ही बहुत ज्यादा दर्शक थिएटर आ रहे थे। वित्त वर्ष 2021-22 में PVR ने सरकार की ECGLS स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधार लिया। दरअसल सरकार ने कोविड की चपेट में आई इंडस्ट्रीज को दोबारा पटरी पर लाने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट के नाम पर ECLGS स्कीम की शुरुआत की थी। इसके अलावा PVR ने थिएटर के मालिकों से किराए और कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्ज में रियायत के लिए भी रिक्वेस्ट की। कहीं पर बात बनी और कहीं पर नहीं बनी। धीरे धीरे स्क्रीन खुलने लगे तो निवेशकों को कंपनी में थोड़ा भरोसा बनने लगा। रिजल्ट वाले दिन 31 जुलाई 2021 को कंपनी के शेयर 1360 रुपए पर पहुंच गए। इस बीच कंपनी ने एक नया दाम चला। 27 मार्च 2022 को दूसरी बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन
आइनॉक्स के साथ मर्जर का ऐलान कर दिया। 12 जनवरी 2023 को एनसीएलटी से मर्जर के लिए मंजूरी मिल गई और नाम हो गया पीवीआर आइनॉक्स। मर्जर से पहले पीवीआर के पास 871 स्क्रीन थे, वहीं आइनॉक्स के पास 675। इस मर्जर के बाद टोटल 1546 स्क्रीन हो गए इस नए वेंचर के पास और पीवीआर आइनॉक्स इंडिया में मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी वाली कंपनी बन गई। मर्जर के बाद पीवीआर के अजय बिजली को बनाया गया एमडी और आइनॉक्स के पवन कुमार जैन को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। हालांकि उसके बाद भी मल्टीप्लेक्स बिजनेस को बहुत फायदा नहीं हुआ, वजह रही अच्छी फिल्मों का अभाव। 2023 के पहले हाफ में यानी पहली छमाही में पठान, किसी का भाई किसी की जान और केरला स्टोरी जैसी चुनिंदा फिल्मों ने ही अच्छा परफॉर्म किया, बाकी ज़्यादातर फिल्में लोगों को थिएटर तक लाने में नाकाबिल रहीं। लिहाजा पीवीआर आइनॉक्स ने मार्च 2023 वाली तिमाही में 333.99 करोड़ का घाटा लाया और अगले 6 महीनों में करीबन 50 सिनेमा स्क्रीन्स को बंद करने का फैसला किया। पीवीआर मर्जर कोविड के अलावा मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री के लिए दूसरी बड़ी मुसीबत खड़ी की है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने। जब कोविड आया तो सारे दर्शक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हुए और जो एक आदत लगी कि वह आज तक लोगों से नहीं छूट पा रही है। नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, जियो सिनेमा जैसे ओटीटी सिनेमा के मुकाबले किफायती दाम पर लोगों को कंटेंट दे रहे हैं। लोग हॉल में जाने की बजाय घर पर सुकून से बैठकर फिल्में या सीरीज देखना पसंद कर रहे हैं। कुछ ओटीटी प्लेयर्स तो 1 रुपए जितने कम दामों पर भी फिल्में ऑफर कर रहे हैं। रिवाइवल के लिए पीवीआर आइनॉक्स ने कई कोशिशें की। पीवीआर आइनॉक्स पासपोर्ट, जिसके जरिए लोग वीकडे में सस्ती टिकट्स ले सकते थे, वो लॉन्च की गई। पॉपुलर फिल्म्स की रीलॉन्चिंग की गई, फिल्म फेस्टिवल रखे गए। हालांकि जो हालिया रिजल्ट आया है उसमें कंपनी ने कहा है कि उसे बीती तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च वाले तिमाही में 33 नए स्क्रीन खोले हैं और फिलहाल 112 शहरों में 1748 स्क्रीन के साथ 360 सिनेमा हॉल्स में ऑपरेट कर रही है। लेकिन कंपनी ने यह भी कहा है कि वो ऑडियंस को स्क्रीन तक लाने के लिए कुछ और नए तरीके भी अपनाएगी। पीवीआर आइनॉक्स सिनेमा ऑपरेटर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस T20 वर्ल्ड कप की स्क्रीनिंग को लेकर भी बातचीत कर रही है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नितिन सूद ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारा फोकस रिलेवेंट यानी कि प्रासंगिक बने रहने का है। अगले महीने से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, ऑपरेटर टूर्नामेंट के मेन जो मैचेस होंगे उन्हें थिएटर में स्क्रीनिंग करेंगे। उन्हें हमें अनुमान है कि T20 शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट मैच है, इसलिए ऑडियंस शायद थिएटर में आकर देखना पसंद करेगी। इसके अलावा कंपनी कस्टमर्स बटोरने के लिए कॉन्सर्ट्स, स्पोर्ट्स और कई अन्य तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज करने की भी प्लानिंग कर रही है। खबर यह भी है कि वो पॉपुलर के पॉप की फिल्म परफॉर्मेंसेज को भी इंडिया में स्क्रीन करेगी। हालांकि ये सारे कदम कितने सक्सेसफुल होंगे ये तो समय बताएगा कि कंपनी की कोशिशें कामयाब होती हैं या नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा जब कंपनी इस तरह की कोशिशें कर रही हो। इससे पहले भी 2021 में उसने RRR के साथ कोलैबोरेशन किया था, जिसके तहत मूवी लॉन्च के समय थिएटर्स का नाम 1 महीने के लिए PVR से बदलकर PVRRR किया गया था। जून 2022 में मारुति सुजुकी के साथ थिएटर की दीवारों पर 270 डिग्री इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग एक्सपीरियंस के लिए पार्टनरशिप की। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप 2022 टीएम व्यूइंग पार्टीज के लिए वीजा के साथ पार्टनरशिप की। 2023 में ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल होस्ट किया, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच को लाइव स्ट्रीम किया। सबसे हालिया तो जनवरी 2024 में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसके कार्यक्रम को आज तक के साथ कोलैबोरेशन में लाइव स्ट्रीम किया था। ये कुछ कोशिशें कंपनी बहुत लंबे समय से करते आ रही है, अब देखना होगा कि जो उसके नए कदम हैं वो उसको किस दिशा में फल देते हैं, क्या उसके लिए ये फायदे का सौदा साबित होता है या फिर कंपनी की मुश्किलें ऐसी ही बरकरार रहने वाली हैं। बहरहाल 16 मई को पीवीआर आइनॉक्स के शेयर BSE पर करीबन 3% की बढ़त के साथ 1322.45 रुपये के लेवल पर बंद हुए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।